हेलो, स्वागत है आपका सरोज किचन में। आज मैं बनाऊंगी मुरमुरा लड्डू। मुरमुरा को लाई भी बोलते हैं और ये ज्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मुरमुरा और 250 ग्राम गुड़। गुड़ आप कोई भी वैरायटी का ले ले। तो मुरमुरा लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे पैन रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और पैन में हम ये गुड़ डालेंगे। पहले हम गुड़ को 1 से 1.5 मिनट पकने देंगे। एक 1.5 मिनट बाद हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और गुड़ को चमचे से चलाते रहेंगे। उनको तोड़ ले। गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है और हमें गुड़ का सिरप बनाना है। गुड़ को हम 1-2 मिनट और पका लेंगे। गुड़ को चेक करने के लिए गुड़ के सिरप को पानी में डाल के चेक करेंगे। गुड़ पानी में मैश नहीं हो रहा है, मतलब गुड़ सिरप बनके तैयार है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें ये थोड़े थोड़े करके मुरमुरे मिलाएंगे। मुरमुरे का गुड़ के सिरप में मिला दिया है और अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। अब हम मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे, तो इसे हम पूरा ठंडा नहीं होने देंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए ठंडा कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे कि हाथ में पानी लेंगे, हथेलियों पे पानी लगाएंगे, पेड़े के जैसे लड्डू बनाएंगे। ये देखिए, ये प्रोसेस सावधानी से करें क्योंकि इसमें गुड़ गर्म रहता है। ऐसे ही करके हम सारे लड्डू बना देंगे। ये हमारे लाई के लड्डू बनके तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।